हेलो एवरीवन, मैं अतुल ठीका, गुरु मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। आज का जो वीडियो है उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। मेनली नरेशन जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेनली एसएससी सीजीएल टीयर टू के लिए या फिर जितने भी मेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश जो एसएससी कंडक्ट करती है, बैंकिंग के लिए भी। एसएससी ने इस बार पैटर्न चेंज किया था। प्री जो एसएससी प्री सीजीएल जो हुआ था सीएचएसएल, उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नरेशन से आ रहे थे जरूर। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वीडियो में हमने वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो 2017 प्रीलिम्स में किए थे, बट इसके साथ साथ मैं रूल्स भी बताता चलूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना आसान है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं जस्ट बाई लुकिंग एट द रूल्स। पूरा रूल्स इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर रूल्स एक्सप्लेन करना है तो आप प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि एक वीडियो में और बना दूंगा पूरा डिटेल्ड जिसमें नरेशन हम कर सकते हैं। बट आज का वीडियो विल बी सफिशियंट टू अंडरस्टैंड हाउ नरेशन वर्क्स, उसके रूल्स क्या क्या है, हाउ द क्वेश्चंस आर टाइप के सेंटेंसेस, रूल्स क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को। देखिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सो दैट ये जो फ्री एजुकेशन का जो पार्ट है ये और लोगों के लिए भी आगे बढ़े, हेल्प हो सके। और ये इंग्लिश का सीरीज है, इसमें अब सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव और जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस आई सजेस्ट अ फ्यू ऑफ द रूल्स। आप एक छोटे छोटे रूल्स हैं वो समझ लीजिए, फिर उसमें देखिए एक तो ग्रामर के रूल्स जो हैं वो पता लगेंगे, ग्राफ फिर जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो देखेंगे, या फिर उन ईच रूल के लिए सेंटेंस मैं अभी बताऊंगा नहीं, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में बना सकते हैं। देखिए अगर किसी को नहीं पता है कि ऐसे जो नरेशन जो शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर गुड, ये मान लीजिए कोई भी एक सिंपल सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए ये वाला पार्ट है आपका, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, ये ही शी इट ये सब्जेक्ट है और बाकी आपका ऑब्जेक्ट होता है और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए इसमें मोटे मोटे चार पांच रूल्स हैं, वो तो बिगिनर हैं तो उससे देख लीजिए पहले। रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी टेंस होता है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो रूल भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन लगती है, कंजंक्शन मतलब सेंटेंस को जोड़ते हैं उसको, दैट होता है 90% ऑफ द केसेस में, लेकिन जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं अभी बताऊंगा उसमें चेंजेस होते हैं बहुत सारे, वो देखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90% ऑफ द केसेस में दैट लगता है, बट और जो क्वेश्चंस आएंगे जो टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे जैसे ऑप्टेटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरगेटिव है, उनमें डिफरेंट कंजंक्शंस लगेंगी। फिर एक रूल होता है सिंपल, सन का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर बचपन से फॉलो भी कर रहे होंगे। देख सन होता है, एस होता है सब्जेक्ट, ओ होता है ऑब्जेक्ट, एन होता है नो चेंज। तो सब्जेक्ट को चेंज को 1 2 3 बोलेंगे, तो वन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, टू सेकेंड पर्सन है और थ्री थर्ड पर्सन बोले, यानी कि सब्जेक्ट अगर आए तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करीजिए। ऑब्जेक्ट अगर आए तो जो सॉरी जो ऑब्जेक्ट चेंज होगा आपका वो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो नाउन नो चेंज होगा। तो इसमें अगर आपने रूल देखा होगा या याद होगा तो आई माई मी वी आवर अस यू योर योर्स दे देयर देम, ये मतलब रूल्स थे पुराने ग्रामर के, आपको याद भी होंगे। आई माई मी माई सेल्फ वी आवर अवर्स आवर सेल्स यू योर योर सेल्फ दे देयर देम देम सेल्स, ये चेंज होते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये जो सन के रूल के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होंगे वो भी मैं समझाता चलूंगा। कुछ और चेंजेस होते हैं इसमें, देखिए अगर जो टाइम ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि येस्टरडे को बोलते हैं द प्रीवियस डे, टुडे को दैट डे। ये सारे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इसका एक अलग वीडियो में बना दूंगा, दैट विल बिकम मोर इजियर, फिर भी बता देता हूँ अगर आप सुन रहे हैं स्लाइड इजीली पॉज करके सुन सकते हैं। येस्टरडे दैट प्रीवियस डे, टुमारो द कमिंग डे या नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, अगो बिफोर नाउ देन, ये चेंजेस में होते हैं मेनली आप जब आएंगे तो।
फिर जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, मेनली पांच होते हैं, मैंने बताया था। तो सिंपल सेंटेंस होता है आपका नॉर्मल, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फिर एक इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क जिसमें लगता है पीछे। इंटरोगेटिव भी तीन तरह से बनते हैं, एक तो या तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिया ये सब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर आप सीधा ये वर्ब से शुरू कर लीजिए, या फिर आप डब्ल्यू फैमिली से, यानी व्हाट वेयर व्हेन हु ये शुरू होंगे। और इनमें जो आपकी कंजंक्शन जो अभी तक हम दैट लगा रहे थे वो चेंज हो जाएगी। रूल फॉर ईच सेंटेंस, फॉर वो मैं जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा सिंपल सा रूल भी है, देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। इससे रूल्स में आपको ये पता चल जाएगा कि ये रूल जो चेंज हो रहे हैं किस किस टेंस में हो रहे हैं, किस कैसे कैसे हो रहे हैं। अब या तो आप स्लाइड पॉज करके खुद देख सकते हैं, इजी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये इजी तब बनेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आप समझते जाएंगे तो इजी होगा बहुत। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है, ये भी चेंज नहीं होता है। इन ऑल फ्यूचर विल को वुड में चेंज करेंगे, फ्यूचर्स का चेंज नहीं होता था। एक और चीज जो याद रखनी है, हम मॉडल्स जो आते हैं, मोडाल बोल लो या मॉडल बोल लो, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट ऑट टू, ये सब चेंज होंगे, ये भी याद रख लीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। और क्वेश्चन में मैं आपको एलिमिनेटिंग टेक्निक सिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप टीयर टू का पेपर दे रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास टाइम बहुत कम मिलता है। 20 क्वेश्चन आएंगे टीयर टू में, मेरे ख्याल से 20 से 20 20+ क्वेश्चन आते हैं, और 20+ क्वेश्चन को अगर आप 10 मिनट से पहले नहीं कर रहे हैं तो योर स्पीड इज वेरी लेस। तो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये ऐसे पूछा जाएगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसमें दो तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, या तो आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा फिर उसको इनडायरेक्ट पूछना है, या फिर आपको इनडायरेक्ट पहले दे दिया जाएगा उसका डायरेक्ट बनाओ। अब ये क्वेश्चन में देखिए, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, नवनीत आस्क्ड हर। अब नवनीत आस्ट हर, नवनीत ने पूछा हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, तो नवनीत आस्ट हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर इज, नवनीत आस्ट हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर हैज बीन, नवनीत आस्ट हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर वाज। अब ये दोनों चीजें देखिए, चारों में से आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, प्रेजेंट पर इनडेफिनेट है ये, तो प्रेजेंट को हम पास्ट में करते थे, तो इज वाला तो ठीक होगा नहीं, तो जहां पे वाज लग जाए वो देख लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा चार, मतलब चार चेक करने हैं आपको, कि सब्जेक्ट को पहले SON वाला रूल याद रख लीजिए कि भाई, अब नवनीत या आस्ट हर ये पूछा है यहाँ पे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसमें हर है, तो हर क्या होगा, हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन आएगा। अब थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, तो हर का हर रहेगा, ये पहला रूल हमने स्ट्राइक आउट कर लिया। दूसरा रूल क्या था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, क्योंकि ये देखिए हाउ डब्ल्यू क्वेश्चन है, ये आस्ट है तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें आस्ट तो सब में आ गया, तो चारों में से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। फिर पूछा है हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर। अब योर जो आया है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग इससे चेंज हुआ है। हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, इसमें इसने इज जो आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा वाज में। मैंने इससे पहले रूल में शायद आपको बताया नहीं, बट ये सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए, देखते ये क्या है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एक्सक्लेमेशन है या क्वेश्चन है, प्लीज डोंट क्राई ही सेड। अब देखिए ये मोस्टली एक इच्छा जाहिर की जा रही है इसमें। अब चार तरह के सेंटेंसेस मैंने बताए थे मेनली, जो इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव।
बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए ऑप्टेटिव इम्पेरेटिव में तो जैसे कोई ऑर्डर दे दिया आपको, रिक्वेस्ट हो गई, ऑप्टेटिव में इच्छा जाहिर कर दी कोई कि ये करो, ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, एक्सक्लेमेशन में अलास या हुर्रा कोई खुशी जाहिर की है, विस्मय बोधक जिसको, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर इस एम आर वाज वर्स से हेल्पिंग वर्स से शुरू हो जाए, डब्ल्यू फैमिली से भी शुरू हो सकते हैं। और डब्ल्यू फैमिली में शुरू होंगे तो कंजंक्शन नहीं लगेगी, ये भी रूल्स अब आएंगे, एक एक मैं बताता रहूंगा जो भी रूल आएगा। ये पूछा है, प्लीज डोंट क्राई ही सेड। अब देखिए, ही बेग्ड दैट आई शुड नॉट क्राई, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ही सेड टू प्लीज हिम एंड नॉट क्राई, ही टोल्ड मी टू नॉट टू क्राई। इसमें एलिमिनेट करना, देखिए ही सेड टू प्लीज हिम एंड नॉट क्राई, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम जब सेड है ये प्लीज डोंट क्राई है, तो इसको हमेशा जब हम रिपोर्टिंग वर्ब होती थी उसको अकॉर्डिंगली चेंज करते थे, कि या तो बेग्ड आएगा या रिक्वेस्टेड, प्लीज डोंट क्राई, क्योंकि प्लीज आ गया है इसमें। अब इसी तरह टोल्ड में चेंज हो नहीं सकता है, क्योंकि ही सेड है यहाँ पे खत्म हो गया, तो सेड का सेड रहेगा, और सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता, ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, ही सेड टू हिम, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो ही ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा टेंसेस का, ही सेड को टोल्ड में, अगर यहाँ होता ही सेज टू मी तो ही टेल्स मी आता, ठीक है, ही सेज टू मी तो ही ऐसे आएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। आंसर है इसका, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी यू आर हेयर टू मीट मी, द मैनेजर सेड टू द विजिटर, मे बी यू आर हेयर टू मीट मी, तो मैनेजर सेड टू द विजिटर। देखिए फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत ज्यादा करने हैं, ऐसे से यही पूछती है मेनली। ऑप्शन है, द मैनेजर टोल्ड द विजिटर दैट मे बी ही वॉज हेयर टू मीट हिम, द मैनेजर टोल्ड द विजिटर दैट मे बी ही वॉज देयर टू मीट हिम। अब देखिए हेयर है तो देयर में यूज होगा, और देयर यहाँ पे दो ही ऑप्शंस में, मैं एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे फिर टेंस देख लीजिए, द मैनेजर सेड टू द विजिटर, अब सेड है को तो टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन ऑप्शन है तो टोल्ड सब में ये ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग रहा है, मे बी यू आर हेयर टू मीट मी दैट मे बी यू है, देखिए यू आया है हमारा एस ओ एन, तो ऑब्जेक्ट अब सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते थे, तो यहाँ पे द मे बी यू आर हेयर टू मीट मी, तो ऑब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग विजिटर, तो विजिटर यहाँ पे ही है तो ही ठीक है, आर का वॉज में सब में वॉज है ये भी ठीक है, हेयर का देयर होगा, देयर दो में ही है, टू मीट मी या टू मीट हिम, टू मीट मी यहाँ पे दिया हो, मी का मी नहीं होगा, तो मी क्या है आपका थर्ड आई माई मी, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या आएगा, मे बी वी वॉज देयर टू मीट हिम, तो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देखिए दो हमने पहले ही स्ट्राइक आउट कर दिए थे, सिर्फ हेयर और देयर को चेंज करने पे ही, टुडे दैट डे यस्टरडे प्रीवियस डे, इस तरह से जो चेंजेस किए थे टाइम वाले, स्ट्राइक आउट बहुत इजीली हो सकते हैं आपके, फिर आप ऑप्शन में जो आपके बच जाते हैं सॉरी वो आप पिक कर सकते हैं, इस तरह आपको इजी आंसर मिल जाएगा, यानी कि रूल अगर आपको क्लियर है तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई एम वेयरिंग माई लक्की पेंडेंट कॉमा सो आई शुड बी सेफ, शी सेड टू हिम। देखिए शी सेड टू हिम, पहला तो यही रूल देखते हैं, सेड टू के बाद आया तो टोल्ड में चेंज होगा, शी सेड टू हिम है तो देखिए ये टेल्स तो एकदम गलत है, यहाँ पे टेल्स ये भी गलत है, टोल्ड के सिर्फ दो ही ऑप्शन है, इनमें और रूल देख लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा यहाँ से तो दैट लगेगा, दैट इन दोनों में दिया हुआ है तो ये भी ठीक है, आई एम वेयरिंग माई लक्की पेंडेंट सो आई शुड बी सेफ, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है शी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, शी टोल्ड हिम दैट शी इज वेयरिंग हर लक्की पेंडेंट सो शी शुड बी सेफ, यहाँ पे देखिए इज है, इन्होंने इज यूज किया है, और थर्ड में यूज किया है शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज वियरिंग हर लक्की पेंडेंट सो शी शुड बी सेफ। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये शी सेड टू हिम, मैंने बताया था रूल में कि रिपोर्टिंग वर्ब
अकॉर्डिंग आपका जो टेंस चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, और रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, सेड जो कि पास्ट में है, तो चेंज होगा दैट शी वाज वेयरिंग। ठीक है, इस तरह से हमने चार चीजें हम देख रहे हैं, सिर्फ चार चीजों से ही हम इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे, ऑप्शंस को बहुत इजी बन जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट वाले में इज हमने देख लिया था, वो गलत आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो डॉक्टर ने पूछा, अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आएगा, या पूछेंगे सेड दैट ही कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर, द डॉक्टर वॉन्टेड टू नो वट ही कुड डू फॉर हर, द डॉक्टर आस्क्ड वट ही कुडंट डू फॉर हर, द डॉक्टर वंडर्ड वट ही कुड डू फॉर हर। अब देखिए इसमें सेड तो सेड ही है, कुडंट ये गलत है एकदम, क्योंकि यहाँ पे नॉट हमने कहीं पे भी नहीं देखा है, तो ये ऑप्शन पहले स्ट्राइक आउट हो गया। फिर एक और है जो डॉक्टर आस्ट, डॉक्टर वांटेड एंड डॉक्टर वंडर्ड। अब इन तीनों में से हम ऑप्शन में देख लेते हैं, द डॉक्टर आस्ट वट ही कुडेंट डू फॉर हर, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि नॉट वाला आया ही नहीं है यहाँ पे। आंसर है इसका वांटेड, क्योंकि वंडर्ड मतलब होता है कि भाई वो ही वॉज स्टिल थिंकिंग, ही इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड वट ही वॉन्ट्स, जबकि यहाँ पे उसने पूछा है ही वॉन्टेड टू नो, ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। बाकी जो तीसरा और चौथा हमारा रूल जो था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज वाला, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, और वो हमने इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, हमने दूसरे तीसरे रूल में ही चेंज कर लिया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दिया था वॉन्टेड में। सेड और आस्ट नहीं चेंज हो सकते थे क्योंकि कुडेंट ऑप्शन था, इसलिए स्ट्राइक आउट हो गया था। अब देखिए रूल मैं आपको धीरे धीरे बताता भी चलूंगा, इससे क्लियर होता चला जाएगा। कोशिश करिएगा आप पहले मार्क कीजिए पॉज करके, इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। शी आस्ट रवि वट इज वरिंग यू, शी आस्ट रवि, भाई तुम्हें वट इज वरिंग यू, तुम किससे तुम्हें चिंता हो रही है। शी आस्ट रवि वट इज वरिंग हिम, शी आस्क रवि, देखिए आस्क आस्क तो दोनों गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट में है, आस्क पूछा है। शी आस्ट रवि वट इज वरिंग हिम, अब वट इज वरिंग यहाँ पे इज पूछ लिया इन्होंने, तो इज यहाँ पे भी है, इज का हमेशा वाज वर में चेंज होता था, इज एम आर वाज वर, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है, बचा एक ही आपका ऑप्शन आंसर है। शी आस्ट रवि वट वाज वरिंग हिम। नेक्स्ट है, वट मेक्स यू सो सैड, शी आस्ट मनोज, भाई शी उसने पूछा मनोज से वट मेक्स यू सो सैड, तुम्हें क्या है ऐसा जो चिंता दे रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है फिर से। तो उसने शी आस्ट मनोज व्हाट मेक्स हिम, फिर से वही क्वेश्चन करेंगे, देखिए इसमें आस्क्स वाला देख लेते हैं, ये तो एकदम गलत हो गया, शी आस्क्स ये ही गलत हो गया, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट में है, दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। फिर वही टेंस देख ले, व्हाट मेक्स यू सो सैड, तो व्हाट मेक्स हिम सो सैड, या मनोज व्हाट मेड हिम सो सैड। अब ये अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं तो रूल आपको पता होगा कि क्योंकि यहाँ पे पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हमारा टेंस भी, तो ये इसमें मेड आएगा, ऑप्शन मेड, क्योंकि शी आस्ट ये हमारा पास्ट में है, तो पास्ट से अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में ही चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू द नेक्स्ट, नॉट टू गो टू द स्कूल द नेक्स्ट। अब ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको डायरेक्ट बनाना है। प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अब इसमें फिर से रूल लगाने शुरू कर लीजिए, आप छोटे छोटे रूल बनाएंगे, स्ट्राइक सिर्फ स्ट्राइक आउट करना ऑप्शन को। नेक्स्ट डे किसका होता था, देखिए टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, तो टुमारो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब टुमारो देख लेते हैं ऑप्शन में किस किस में है। ये नेक्स्ट डे एज इट इज दिया हुआ, तो ये एकदम गलत हो गया, इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, तो ये तीनों, ये एक ऑप्शन हमारे पास बच गया। अब प्रिया एडवाइज्ड मी, अब देखिए एडवाइज्ड है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट भी आएगी, टू नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अब ऑप्शन देख लेते हैं, डोंट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया सेड विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया टोल्ड मी दैट डोंट गो टू स्कूल टुमारो। अब इसमें अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो विल वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन बचा आपका
डोंट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया सेड टू मी, प्रिया टोल्ड मी दैट डोंट गो टू स्कूल टुमारो, यहाँ पे ऑर्डर्ड वाला आ जाएगा, जबकि हमारा जो भाव आ रहा है वो एडवाइज्ड का था। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब एक चीज जो मैंने बताना भूल गया था, एक तो जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ भाई जो बदलेगा नहीं, सम सूरज पश्चिम पूर्व से निकलता है पश्चिम में ढलता है, और जैसे हैबिचुअल फैक्ट्स है, जो हैबिट जो बन जाती है आपकी, हैबिचुअल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ, इनके जो टेंसेस हैं सेंटेंसेस वो चेंज नहीं होते। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, भाई टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं हो सकता। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज, मैंने अपने दोस्तों से कहा चलो आज चेंज के लिए पिकनिक पे चलते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स इफ दे वुड गो टू आई पिकनिक फॉर अ चेंज, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स टू गो टू पिकनिक फॉर अ चेंज, आई परमिटेड माई फ्रेंड्स टू गो टू अ पिकनिक फॉर अ सेड। अब परमिटेड तो नहीं आएगा क्योंकि परमिट नहीं दे रहा है वो, क्योंकि पूछा था उसने, तो आई सजेस्टेड टू, मैं या तो पूछ सकता है या सजेस्ट कर रहा। अब इसमें देखिए, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। अब अस है यहाँ पे, आई माई मी वी अवर अस यू योर, तो अस फ्रेंड्स की क्योंकि अब अस आ गया है, ये फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी, अस का वी में बदल जाएगा, बाकी और में नहीं बदला है, तो आपका जो ऑप्शन होगा यही होगा कि आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज, ऑप्शन फोर। वुड नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे विल कहीं पे नहीं था, ये क्वेश्चन भी स्ट्राइक आउट हो जाता था, ये दोनों बचते थे जो इंपॉर्टेंट थे इसमें से, लेकिन एक रूल जो चेंज हो गया था, जो इसने नहीं पूछा था कि आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स टू गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज, तो उसने अस की जगह यहाँ पे चेंज नहीं किया था, ये जो सन वाला रूल था मैंने वो बताया था। नेक्स्ट है, निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। अब देखिए, पहले तो एक सिंपल सा रूल है, इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो नाउ को देख लीजिए देन में कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ देन है, और किसी में नाउ तो नहीं है, और यही आपका आंसर है। कुछ नहीं किया हमने इसमें, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक रूल पकड़ा था हमने कि नाउ को देख लेते हैं देन में, बाकी और सारा आप रूल लगाते रहिए, सोचते रहिए, वो आपके ऊपर मर्जी है कि आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शंस बहुत इजी हैं जो आपको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, वो आपने कर लिया है। नेक्स्ट है, राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट, राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। अब देखिए, ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकती है। अब राम ने रोहन को कहा, सेड टू रोहन है तो यहाँ पे सेड टू को बदल जाएगा टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड है। अब डोंट रन सो फास्ट क्योंकि ये कुछ एडवाइस भी हो सकती है, तो वो उस अकॉर्ड इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो राम एडवाइज रोहन डोंट रन सो फास्ट, ये तो गलत है क्योंकि इसमें चेंज नहीं किया है। राम आस्ट रोहन वाई इज ही रनिंग सो फास्ट, ये भी गलत है क्योंकि हमने रनिंग नहीं आएगा, टेंस आपका चेंज नहीं होगा ऐसे। राम रिक्वेस्टेड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट, ये हो सकता है, राम टोल्ड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट। अब देखिए, इसमें रिक्वेस्टेड का भाव अगर दिख रहा है आपको, तो वो रिक्वेस्टेड ऑप्शन है, या फिर मेनली आपका ऑप्शन होगा टोल्ड, क्योंकि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है, वही रूल हमारा, हम पहले सिंपल रूल लगाएंगे, जितना सिंपल रखेंगे चीजों को उतना ईजी रहेगा, कॉम्प्लिकेट मत करिए। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करना बता रहा हूँ, रूल नहीं बता रहा हूँ इसके साथ साथ, लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो रूल्स भी लगते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, डू यू वॉन्ट सम मोर चॉकलेट्स आस्ट माई कजन, माई आस्ट भाई मेरे कजन ने पूछा, डू यू वॉन्ट सम मोर चॉकलेट्स, तो माई कजन आस्ट मी If I want some more chocolates, my cousin said to me if I wanted some more chocolate. My cousin asked me that I wanted some more chocolates. My cousin asked me whether I wanted some more chocolates. अब my देखिए, whether, if और whether वाले जो conjunction लगते हैं, ये रूल और बताता हूँ।
इफ और वेदर वाला जो कंजंक्शन लगता है, जो मैंने बताया था पहले कि 90% ऑफ द केसेस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो दैट लगता था, लेकिन अब मैंने भी बताया था 10% रूल्स ये अब चेंजेस होते जा रहे हैं। जहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम उसको चेंज करेंगे तो इफ या वेदर लगेगा, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो आपका इन्फिनेटिव फॉर्म चेंज होगी। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और एक होता है जेरेंड, जेरेंड होता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसने पूछा है डू यू वांट सम मोर चॉकलेट्स, आस्क्ड माय कजन। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें इफ या वेदर आना चाहिए, और यही आपका आंसर है। वेदर एक ही ऑप्शन में था और वो ही हम पकड़ सकते थे इजीली। अगर आपको रूल पता था, रूल मैंने बता दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर लगता है कंजंक्शन। नेक्स्ट है ही सेड आई सॉ अ स्नेक, उसने कहा कि उसने एक सांप देखा। ही सेड दैट, अब देखिए आई है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही है, तो ही सेड दैट आई, आई को चेंज करेंगे फर्स्ट तो ही चेंज हो जाएगा आई ही में। सॉ मतलब पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट आपका बताया था मैंने पास्ट परफेक्ट में। तो ही सेड दैट ही सॉ अ स्नेक हेयर, हेयर को देयर में, अब देयर यहाँ पे दो में ही है तो ये गलत हो जाएंगे दोनों, तो ये तो इजीली है, इसको स्ट्राइक आउट ही कर लीजिए सिंपल। तो देयर ही सेड दैट ही सॉ अ स्नेक देयर, अब सॉ यहाँ पे सॉ को चेंज नहीं किया इसने, वर्ब चेंज होनी चाहिए थी, तो यही आपका ऑप्शन ठीक है। चार ही रूल देख रहे हैं हम, चार रूल से ही चेंज करते जा रहे हैं, इजी है बहुत अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, या फिर नहीं भी समझ में आ रहा तो जो मैं बताता जा रहा हूँ सुनते जाइए। तो ही सेड दैट ही हैड सीन अ स्नेक देयर। नेक्स्ट रोहन सेड वेयर शेल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, रोहन ने पूछा कि कहाँ मैं हूँगा इस साल के इस टाइम पे अगले महीने। वेयर आया है, अब एक और रूल है ये, वेयर से एक और आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं जो डब्ल्यू फैमिली वाले हैं, यानी कि व्हाट वेयर वू व्हाई, ये सब में आपका कंजंक्शन नहीं लगता है, ठीक है। वेयर विल एक्ट इज एज इट इज कंजंक्शन। देखिए रोहन आस्ट दैट, रोहन सेड दैट वेयर शुड बी दैट टाइम नेक्स्ट, वेयर रोहन वंडर्ड वेयर ही शुड बी दैट टाइम द नेक्स्ट मंथ। देखिए द नेक्स्ट मंथ है, अब ये एक और एलिमिनेशन पॉइंट है, नेक्स्ट को मतलब फॉलोइंग या फॉलोइंग मंथ होता है, फॉलोइंग यहाँ पे दो में ही है, बाकी दो को हम कैंसिल कर सकते हैं सीधा सीधा स्ट्राइक आउट। कंटेम्पलेटेड या वंडर्ड, इन दोनों में से आपको चूज करना है, बाकी टेंस देख लीजिए, वेयर शेल आई बी दिस टाइम, वेयर शेल ही बी, वेयर ही वुड बी। अब देखिए यहां पे ये एक पॉइंट था जो आपको पकड़ना था, वेयर शेल ही विल बी की, क्योंकि शुड, क्योंकि आई और सिर्फ आई और सॉरी आई और वी के साथ लगता है शेल, बाकी के साथ विल, इसलिए विल का वुड चेंज हो गया था, यही आपको पॉइंट था बस देखने के लिए। क्वेश्चन, रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज, रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज। अब रश्मि सेड टू मी, तो सेड टू मी को मतलब आस्ट मी, या तो वॉन्टेड टू नो तो गलत हो गया, तीन ऑप्शन बचे हैं मेरे पास। रश्मि आस्ट मी दैट, अब क्योंकि ये डब्ल्यू वाला है तो दैट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैंने आपको रूल बताया था नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज, और जैसे ही डब्ल्यू फैमिली का जो क्वेश्चन आता है उसमें आप उसको सिंपल में चेंज कर दीजिए, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाइए, वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज, ये आपका ऑप्शन गलत हो, ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन सेकंड। सिंपल रूल मैंने समझाया है कि जहां पे डब्ल्यू वाला हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसको हम चेंज कर देते हैं नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस में, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले चले जाते हैं, या फिर इन्फिनेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस, ऑप्शन में
द फोर मैन सेड टू हिज वर्कर्स, आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। अब भाई हायर वेजेस के लिए पूछा है। अब द फोर मैन वॉन्ट हिज वर्कर्स, द फोर मैन टोल्ड हिज वर्कर्स, द फोर मैन टोल्ड हिज वर्कर्स, द फोर मैन फॉरबिड हिज वर्कर्स टू पे हायर वेजेस, सेड टू हिज वर्कर्स। अब देखिए सेड टू को तो टोल्ड में बदलते थे ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इच्छा जाहिर करेगा, वो फॉरबिड भी हो सकता है वॉन्ट भी हो सकता है। हिज वर्कर्स दैट ही कैन नॉट पे देम हायर वेजेस, द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट ही कुड नॉट पे देम हायर वेजेस, कैन नॉट। अब देखिए कैन नॉट को कैन नॉट नहीं रख पाएंगे, ये चेंज करना पड़ेगा हमें, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। कुड कुड दो में चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैन भी नहीं दिख रहा था, ये भी गलत हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन दो ही बचे हैं, सो दैट ही कुड नॉट पे देम हायर वेजेस देती। द फॉर थर्ड जो है, द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट दे कुड नॉट बी पेड हायर वेजेस। अब देखिए फोरमैन सेड टू हिज वर्कर है, तो ये आपका यहाँ पे एक रूल जो चेंज होना था, दे और ही। अब ये दे और ही कहाँ से आया, द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फोरमैन के अकॉर्डिंग, तो आना क्या चाहिए, ही आना चाहिए, और वही हमारा रूल है और वही हमारा आंसर है। ठीक है, चारों तरफ से हमने एकदम एलिमिनेट करके मैंने सिखाया, फोर्थ रूल। अब देखिए इसमें चौथा रूल लगा तब जाके एलिमिनेट हुआ। नेक्स्ट है, आई डोंट नो द आंसर डू यू, शी आस्क्ड, आई डोंट नो द आंसर डू यू। अब देखिए इसमें दो तरह दो सेंटेंसेस होते हैं एक साथ, और उनमें के बाद बनता है शी आस्क्ड आई डोंट नो द आंसर डू यू, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर विच शी डिडंट शी। अब देखिए इसमें कनेक्टर जरूर लगता है, एक एक सेंटेंस को बनाने के बाद एक और कनेक्टर लगा के जोड़ेंगे तो ये आंसर बनता है, वो पता करेंगे। शी सेड दैट शी डिडंट नो द आंसर एंड डिड आई नो इट, शी सेड दैट शी डिडंट नो द आंसर एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड, शी टोल्ड दैट शी वॉज नॉट नोइंग द आंसर बट वंडर्ड इफ आई नो। देखिए शी आस्क्ड है तो आस्क्ड के बाद कुछ सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो आस्क्ड को तो हम शी आस्क्ड शी सेड दैट शी डिडंट नो एंड आंसर आस्क्ड मी फाइट, इसका आंसर है देखिए शी सेड दैट शी डिडंट नो द आंसर, आई डोंट नो को डिडंट नो टेंस चेंज हो गया, डिडंट नो दो में ही था तो ये दो ऑप्शन पहले ही गलत हो गए थे, वाज और डिड, नो द आंसर एंड आस्ट, एंड आस्ट डू यू को आस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन है सेकंड, और उसने कनेक्ट किया एंड से। अब क्योंकि एंड डिड आई नो इट, यहां पे इसने पूछा नहीं कि एंड आस्ट इफ मी, किसको पूछना था, मी, यू क्या था, सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन यहां पे दिया नहीं हुआ है, तो जो क्लोजेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते थे, वो यहाँ पे मी था, यही आपका आंसर था। नेहा सेड नीड आई राइट अ लेटर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, नेहा ने पूछा नीड आई राइट, क्या मुझे एक लेटर लिखने की जरूरत है, नेहा आस्ट, नेहा आस्ट, चारों में यही है। अब नीड आई राइट अ लेटर, अब मैंने बताया था इफ या वेदर लगता है आपका जब भी इंटरगेटिव सेंटेंस आता है, तो नेहा आस्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर, ये तो एकदम गलत हो गया। इफ इफ तीन में है तो ये ठीक है, इनमें से देख लेते हैं, अब टेंस देख लेते हैं, नीड आई राइट अ लेटर, सेड है तो पास्ट में चेंज होगा, शी हैव टू राइट हैव, देखिए शी के साथ कभी हैव नहीं लगता, हैज लगता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन दो ही बचे हमारे पास, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब नीड आई राइट अ लेटर, शी हैड टू राइट अ लेटर, या शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ये आपको चेक करना है। अब नेहा आस्क्ड इफ शी हैड टू राइट अ लेटर, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि राइटिंग यहाँ पे नहीं आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होता है ये। नेक्स्ट है, राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू डू एज ही वॉज टोल्ड, इनडायरेक्ट में दिया हुआ, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू डू एज ही वॉज टोल्ड। अब राजेश सेड टू हिज ड्राइवर डू एज आई टोल्ड यू, राजेश सेड टू हिज ड्राइवर डू एज यू आर टोल्ड, राजेश सेड टू हिज ड्राइवर डू एज यू आर टोल्ड। अब देखिए राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर, राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर डू एज आई, डू एज यू आर टोल्ड, डू एज आई टोल्ड यू, डू एज आई, डू एज यू आर टोल्ड। अब देखिए इसका जो आंसर है डू एज यू आर टोल्ड,
यू वर टोल्ड नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे इनडायरेक्ट में एज ही वॉज टोल्ड, डू एज यू आर टोल्ड, डू एज आई टोल्ड यू, ये ऑप्शन में आपका ये तीनों गलत थे। राजेश सेड टू हिज ड्राइवर, ऑर्डर्ड नहीं था ये, क्योंकि ऑर्डर्ड का तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया कि ऑर्डर्ड को कन्वर्ट किया था हमने इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया था। बचे फिर दो ही थे हमारे पास, ये इन दोनों में से आपको डू एज आई टोल्ड यू और डू एज यू आर टोल्ड, ये दो ऑप्शन, ये दो बचे थे, इनमें से यही करेक्ट है आपका। फिर नेक्स्ट है, ही सेड लेट इट रेन आई हैव टू गो, ही परसिस्टेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर द रेन एंड ही हैड टू गो, ही सेड दैट रेन कांट स्टॉप हिम टू गो आउट, ही एक्सक्लेम्ड दैट लेट इट रेन ही विल गो, ही सेड दैट ही कांट गो जस्ट बिकॉज इट इज रेनिंग। अभी थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, लेट वाले जो थे उसमें मैं, हाँ लेट का रूल अगर आपको फॉलो करना है तो ऑप्टेटिव में और इम्पेरेटिव में दोनों में चेंज होते थे। देखिए, ही सेड ही परसिस्टेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर द रेन एंड ही हैड टू गो, आई हैव टू गो को हैड टू में बदलेंगे, ये एक चेंज यहाँ पे पकड़ सकते थे आप, ही हैड टू गो, बाकी और कहीं पे ये टेंस चेंज ही नहीं था, और यही एक पॉइंट था जिससे इसको इस टेंस को चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन सेड थैंक्स थैंक्स आई शेल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस अंकित, द ओल्ड मैन अप्लॉडेड अंकित फॉर हिज काइंडनेस एंड ही शेल नेवर फॉरगेट अंकित, द ओल्ड मैन थैंक्ड अंकित एंड अश्योर्ड हिम दैट ही वुड नेवर। देखिए पहले ऑप्शन में ही शेल नेवर, यहाँ पे कहीं पे ये बताया नहीं हुआ है, कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। अंकित वॉज बिंग थैंक्ड बाई द ओल्ड मैन फॉर हिज काइंडनेस टूवर्ड्स एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सेड थैंक यू टू अंकित फॉर हिज काइंडनेस। अब देखिए वही आएगा, मेन जो है आपका जो कनेक्टर, जो दो ऐसे जो जो दो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो एक साथ जुड़े होते हैं उसमें कनेक्टर जरूर लगता है, और यहाँ पे अश्योर्ड जो था एंड के बाद ये अश्योर्ड हिम, ये वाला जो पॉइंट था मेन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, गोपाल्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वॉलेट, तो ये आपका इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में बनाना है। रिमेम्बर योर वॉलेट गोपाल, गोपाल्स मदर सेड, हेयर इज योर वॉलेट गोपाल, सेड इज मदर, आर यू गोइंग टू टेक योर वॉलेट और नॉट, सेड गोपाल टू हिज मदर। देखिए सेड गोपाल टू हिज मदर, ये तो एकदम ही गलत सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि पूछा किसने, क्या बोला कि गोपाल की मम्मी ने उसको रिमाइंड करवाया था, तो ये हो सकता है आपका, रिमेम्बर योर वॉलेट गोपाल, हेयर इज योर वॉलेट सेड इज, यहाँ पे रिमाइंड नहीं करवा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऑप्शन आपके दो ही बचते थे, ये दो, और इन दोनों में से भी आपका डोंट फॉरगेट टू टेक योर वॉलेट गोपाल सेड हिज मदर। अब रिमेम्बर योर वॉलेट भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये याद दिलवा रही है, तो ऑप्शन में यही आपका राइट आंसर बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर सेड विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स प्रीतम, कॉमा के बाद देखिए कनेक्टर आएगा वो याद रखना है, मदर सेड मदर आस्ट विल यू टेल मी, मदर आस्ट प्रीतम इफ ही, देखिए विल को वुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में दो में ही है, बाकी दो को आप गलत मार्क कर सकते हैं, ये सीधा सीधा चेंज था। और एक और जो चेंज मैंने बताया था कि जब हम इंटरगेटिव सेंटेंसेस में रूल जो था कि हम रूल उसको हम हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, सिंपल कैसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, यानी कि अब इन दोनों में देख लेते हैं कि मदर आस्ट प्रीतम दैट ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट, एंड मदर आस्ट प्रीतम इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट। अब क्योंकि ये इंपेरेटिव क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपका कनेक्टर लगेगा इफ या वेदर, और यहीं पे आपका ऑप्शन मिल गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सेड टू द डेंटिस्ट आई हैव अ टूथ एक, भाई उसने डेंटिस्ट को कहा कि मेरे दांत में दर्द है, ही टोल्ड द डेंटिस्ट, ही सेड टू द डेंटिस्ट, ही टोल्ड, अब देखिए सेड टू को टोल्ड में बदल दिया वो ठीक है, आई हैव अ टूथ एक, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा दैट ही, ठीक है ये ही आई आई वाले दोनों गलत हो जाएंगे, ये आसान है। अब आई हैव अ टूथ एक, तो हैव को हैड में करेंगे, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैड गॉटन अ टूथ एक या ही हैड अ टूथ एक, आई हैव अ टूथ एक, गॉटन वाला तो नहीं आएगा, गॉट कहीं गेट पे था नहीं, तो गेट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बचता है ही हैड अ टूथ एक। नेक्स्ट है, द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रावो गुड हिट जय, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है,
स्पेक्टेटर्स अप्लॉडेड जे फॉर हिज गुड हिट सेइंग ब्रावो गुड हिट। अब इसमें देखिए सिंपल सा है, ब्रावो को हमने चेंज कर दिया था, ये एक्सक्लेमेशन था, अप्लॉडेड में बदल गया था, तो ब्रावो जहां जहां पर था वो आप कैंसिल कर सकते थे। दो बचते थे फिर जे फॉर हिज गुड हिट और जे फॉर हिज गुड हिट। अपलॉड नहीं होता है, अपलॉडेड होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत था। इस तरह आप इसको स्ट्राइक आउट कर सकते थे। नेक्स्ट है, द अक्यूज्ड सेड टू द जज लेट मी मीट माय चिल्ड्रन बिफोर आई डाई सर। फिर से वही दो पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं। अक्यूज्ड ने देखिए रिक्वेस्ट किया है, अब अक्यूज्ड सेड टू द जज है तो सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू नहीं आएगा कभी भी, तो अक्यूज्ड बेग्स बेग्ड रिक्वेस्ट्स। रिक्वेस्ट्स वाला तो एकदम गलत है, ये आप इजीली चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो बेग्स ये भी गलत है सेंटेंस, और बेग्ड जो बचता है वो हो सकता था, लेकिन मीट हिज चिल्ड्रन बिफोर ही डाइज इसमें टेंस गलत है, तो आपका ऑप्शन बचा सेकंड। नेक्स्ट, आकाश सेड महेश हैज गोन होम। आकाश ने बोला कि महेश घर जा चुका है। अभी आकाश ने सेड कहा दैट के बाद, देन यहाँ पे तीन में देखिए देन ये दो है, तो आकाश सेड दैट महेश हैड गोन होम। आकाश सेड दैट महेश हैड गोज हैज गोन हैज गोन हैज को हैड में करेंगे, तो यही आपका आंसर है। बाकी जो देन था ये कहीं पे देन नहीं था, ये ऑप्शन सीधे सीधे गलत थे। हैज गोन को, क्योंकि हैज तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में पूछा था, तो हैज को हैड में चेंज करना चाहिए था, वो था नहीं, ये भी स्ट्राइक आउट हो गया, इसलिए ऑप्शन बचा यही वाला सिर्फ। नेक्स्ट, माई ग्रैंड फादर सेड टू द विजिटर हु आर यू वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब इसमें भी दो क्वेश्चन हैं और दो में भी याद रखिए हमने क्या पूछा था, कनेक्टर यूज होगा, कनेक्टर यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू को फैमिली है, तो ये देखना पड़ेगा। सेड टू को ये क्वेश्चन पूछा है तो इंक्वायरी है, तो ग्रैंड फादर इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड होता है तो करेक्ट है, इंक्वायर्स गलत है, इंक्वायर्स गलत है, तो इंक्वायर्ड के दो ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड। इंक्वायर्ड द विजिटर वो आर यू, और वो आर यू एज इट इज इसने लिख दिया यहाँ पर, वो आर यू को ऐसे नहीं, यू को हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते थे, सन वाला जो नेम था, तो यहाँ पे विजिटर है तो वो ही हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पहले गलत था, वो ही वाज एंड वेयर ही केम फ्रॉम, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शीतल सेड टू मी हाउ हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शीतल टोल्ड सेड टू, हाउ क्या देखिए डब्ल्यू क्वेश्चन है तो आस्ट आएगा, इसका आंसर है शीतल लास्ट में हाउ आई हैड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस को दैट में, देखिए यहाँ पे देखते हैं हाउ हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हैव को हैव नहीं रख सकते, हैव को हैव रख नहीं नहीं सकते, हैव को हैड में करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाता था। हाउ हैड आई हैड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अभी हम मैंने बताया था डब्ल्यू फैमिली को जब भी चेंज करते हैं क्वेश्चन मार्क को तो उसको हम सिंपल बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को हम वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं, यही यहाँ पे किया है। हाउ आई सोल्ड दैट प्रॉब्लम, तो दिस को दैट में और यहाँ पे दिस को दिस रखा था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसलिए स्ट्राइक आउट हो गया। नेक्स्ट है, माई फादर सेड टू माई माई मदर सेड टू माई फादर आई एम वेरी बिजी नाउ। My mother said to my father. अब देखिए my mother told my father, ये तो ठीक है एकदम, that she, I को बदलेंगे first person के according, my mother है यहाँ पे तो my mother है, मतलब she आएगा। My mother said to me, अब I वाले दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि ये बदला नहीं, I am very busy, am को was में करेंगे, that she was very busy, तो is वाला वैसे ही गलत हो जाएगा, option ये बचा हमारा। नेक्स्ट है, अजय सेड टू माई सिस्टर इट्स वंडरफुल। अजय सेड टू माई सिस्टर इट्स वंडरफुल, अजय सेड टू माई सिस्टर, अब देखिए सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेज टू होता तो टेल्स में बदलते, तो टेल्स वाला गलत, ये वाला भी गलत, बचे दो ही, अजय सेड टू माई सिस्टर, अजय टोल्ड माई सिस्टर, अजय टोल्ड टू कभी भी नहीं आता है, ये भी गलत, ऑप्शन बच गया हमारा एक, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। नेक्स्ट है, व्हाट टाइम डज द फ्लाइट अराइव, शी आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट।
वट टाइम डज द फ्लाइट अराइव, शी आस्ट द रिसेप्शनिस्ट। अब इसको सीधा चेंज कर सकते हैं, अब देखिए आप खुद बना सकते हैं, इजी हो जाएगा। शी आस्ट द रिसेप्शनिस्ट वट टाइम द फ्लाइट अराइव्ड, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, द ट्रेनी आस्ट इज बॉस शेल आई ई मेल दिस लेटर अगेन सर। द ट्रेनी आस्ट हिज बॉस शेल आई ई मेल दिस लेटर अगेन सर। अब देखिए, द ट्रेनी आस्ट हिज बॉस पोलाइटली शेल आई, अब देखिए शेल आई है तो फर्स्ट पर्सन, ट्रेनी ही चेंज होगा, ही के शेल को शुड में करेंगे तो शेल दोनों गलत हो जाएंगे, शुड दोनों बचेंगे। अब दिस लेटर को दैट लेटर में, ये ठीक है, अगेन तो ऑप्शन आपके बच गया ये वाला, ही शुड ईमेल दैट लेटर। नेक्स्ट, ओ व्हाट अ डर्टी चाइल्ड सेड माय आंट, ये एक्सक्लेमेटरी है आपका सेंटेंस। माय आंट एक्सक्लेम्ड डिस्कस्टेडली दैट द चाइल्ड इज वेरी डर्टी, दैट द चाइल्ड वाज वेरी डर्टी, दैट व्हाट अ डर्टी चाइल्ड इट इज, व्हाट अ डर्टी चाइल्ड। अब देखिए, व्हाट व्हाट जहां पे था ये चेंज हो जाना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। दैट द चाइल्ड वाज वेरी डर्टी इज को इज में नहीं रख सकते हैं, तो वाज में बदल दिया, ये आपका आंसर है, इजिली इलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है, फादर सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। फादर सेज, अब देखिए सेज को सेज में ही रखेंगे, फादर इज सेइंग तो एकदम गलत है। फादर सेड दैट कश्मीर हैज बीन द हेवन ऑन अर्थ, इज को हम वाज में चेंज करेंगे, वाज एक ही में चेंज हो रहा था, यही आपका एलिमिनेशन था। दैट कश्मीर इज, सॉरी ये पॉइंट आपका जो ऑप्शन था, कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, यही आपका ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माय फादर सेज प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। माय फादर सेज दैट प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्म, आर देखिए इज एम आर को कन्वर्ट करते थे हम, अब प्राइसेस वर शूटिंग अप अलार्मिंगली, तो ये आर को वर में चेंज कर दिया इसने, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम शी आस्ट हिम, शी आस्ट हिम व्हाट हिज नेम वाज, व्हाट हिज नेम वाज, इसको वाज में चेंज करेंगे। व्हाट इज योर क्या था, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या है हमारा, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। शी आस्ट हिम, हिम क्या है, ही, तो हिज नेम यहाँ पे आ गया, यही ऑप्शन था। नेक्स्ट, द वॉचमैन सेड थीफ थीफ कैच हिम, द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीफ। अब देखिए थीफ थीफ, ये तो ऑप्शन एकदम ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही चेंज हमें करना चाहिए, ये तो दिखते ही गलत मिल रहा है। द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड थीफ कैच हिम, अब देखिए ये भी गलत है, यहाँ पे टू प्लस इन्फिनेटिव मैंने बताया था रूल आपका, वही लगेगा, टू कैच द इन्फिनेटिव, सो टू कैच द थीफ टू, यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, द कोच सेड टू द चाइल्ड डोंट मेक द वॉटर मडी, द कोच ने कहा डोंट मेक द वॉटर मडी, द कोच कमांडेड में सब में है, देखिए कमांडेड टू कभी भी नहीं आता है, कमांडेड टू कभी भी नहीं आता है, कभी भी जब हम चेंज करते हैं सेड टू के बाद इसको टू के साथ चेंज नहीं करते हैं, विदाउट चेंज करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए हैं। द कोच कमांडेड द चाइल्ड डोंट मेक द वॉटर डर्टी, डोंट मेक द वॉटर डर्टी, तो टू नॉट टू मेक द वॉटर डर्टी चाइल्ड टू नॉट, देखिए डोंट मेक द वॉटर डर्टी, इसमें टू यूज नहीं हुआ था, टू होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, देखिए आज के लिए ये इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आई एम श्योर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अगर फॉलो किया है तो बहुत सारे आपके रूल्स क्लियर होंगे, अगर आपको रूल्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाना है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव दूसरों तक पहुँच सके, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या कुछ भी चेंजेस हैं वो प्लीज़ आप बताइए लिख के, दैट विल हेल्प अस टू मोटिवेट, गेट मोटिवेटेड मोर, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।